हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ और एक्सेस के इस वीडियो में कुछ खास है। आइए देखते हैं कि आज के इस एक्सेस वीडियो में क्या खास है। यहाँ से सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करूँगा और ये हमारा एक्सेस है। देख सकते हैं एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और डेटाबेस सॉफ्टवेयर आप जानते ही हैं हर तरीके से स्प्रेडशीट से अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें जाना है कहाँ, ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया डेटाबेस आएगा और यहाँ पर व्यू पे चले चलना है और यहाँ पर दो व्यूज़ मिलते हैं आपको, कौन कौन से, एक डिज़ाइन व्यू एक डेटा शीट व्यू। तो आपको डिज़ाइन व्यू पे चलना है और डिज़ाइन व्यू पे जाकर के यहाँ पर इस टेबल को क्या नाम देनी है वो यहाँ पर देना है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हम इस टेबल को नाम दे रहे हैं स्कूल, ठीक है, तो ये नाम दे दिया स्कूल और यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। जैसे ही अब ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है फील्ड नेम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस फील्ड को आप क्या नेम देना चाहते हैं वो नेम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे तो ये ऑटो नंबर है और यहाँ इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो फॉर्मेट ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं खुद से, क्या यहाँ पे आए वो चीज़ आप खुद से सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन आई डी, क्या दे देते हैं रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर आई डी लगा देते हैं, तो ये हो गया। और इसे ऑटो नंबर रखा है हमने, देख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो कुछ और भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। मैंने फिलहाल ऑटो नंबर रखा है तो ये खुद से नंबर देगा, 1 2 3 के फॉर्मेट में ये नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखिए यस नो डुप्लीकेट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो यस नो डुप्लीकेट तो ये रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दे दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सॉफ्टवेयर और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम कर देते हैं सपोज़ कीजिए सब्जेक्ट का नाम, तो यहाँ पे करता हूँ मैं सब्जेक्ट 1, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ पर करना है सब्जेक्ट 2 और फिर यहाँ पर ऐसे ही सब्जेक्ट 3 करते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट 3, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट 4, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट 5, ऐसे हमें करते चले जाना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट 1 2 3 4 ऐसे करते जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर डेटा टाइप भी चेंज होगा, तो डेटा टाइप भी यहाँ से चेंज करते चलिएगा। यहाँ पे नंबर डेटा टाइप आपको रखना है, तो ये भी आपको ध्यान देनी है बात कि यहाँ पर आपको नंबर डेटा टाइप रख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर करता जा रहा हूँ ये नंबर डेटा टाइप हो जाएगा, ठीक है। और नंबर डेटा टाइप होने के बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स आएगा, तो यहाँ पर टोटल कर देते हैं, ये हो गया टोटल। और यहाँ पर देखिए कैलकुलेटेड का काफ़ी अच्छा यूज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलता है और अब आप ऐड करने के लिए काफ़ी अच्छा इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट 1 प्लस लिखिएगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट 2, ऐसे करके आपको चलना है और फिर ऐसे करके सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 ऐसे आएगा ये, ठीक है। काफ़ी ईजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरीके से आप करेंगे तो इसका रिजल्ट देखिए, एक बार आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करेंगे तो आप एक्सेस ही यूज़ करना चाहेंगे, एक्सेल तो आप यूज़ करना ही नहीं चाहेंगे, ठीक है। और फिर मान लीजिए अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज भी लिख देता हूँ और यहाँ पर एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए भी कैलकुलेटेड डेटा टाइप का ही इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर कोई क्वेरी नहीं बना रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा ये एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाता है और टोटल में ही हमारा एवरेज छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं टोटल और अपॉन 5 कर देंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर व्यू पे क्लिक करने की बात है और फिर यहाँ से यस करने की बात है, तो अब देखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेटेड डेटा टाइप है ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया, बट इसका रिजल्ट क्या आया ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर कोई नाम एंटर करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं एक नाम राहुल, ये नाम लिखा हमने, और यहाँ पे मार्क्स एंटर करवाने हैं आपको, तो जो भी मार्क्स हैं इनके वो एंटर करवाते जाइए और देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आपको होता वो नज़र आ रहा है 321, और यहाँ पर यही नहीं यहाँ पर आपको एवरेज भी होता हुआ नज़र आ रहा है, देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर दूसरा नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रितेश लिख देते हैं दूसरा नाम, और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो मार्क्स आपको एंटर करवाने हैं, तो मार्क्स जो भी इनको मिले हों वो यहाँ पे फीडिंग करिए और देखिए रिजल्ट क्या आ जाता है। ऑटोमेटिक रिजल्ट जो आएगा वो अपने मन से आएगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं, एक बार आपने ये फंक्शन अप्लाई कर लिया तो फिर तो रिजल्ट अपने आप ही आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गलती हो गई, ये हटाते हैं और देखिए यहाँ पे रिजल्ट अपने आप चेंज, देख रहे हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये देख सकते हैं,
इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आप यहाँ से जाकर के क्वेरी लगा सकते हैं, जैसे कि क्वेरी डिज़ाइन में जाके, या विजर्ड से भी जा सकते हैं, या फॉर्म बना सकते हैं, हर तरीके की सुविधा यहाँ पे आपको मिलती है। तो विजर्ड से जाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, तो ये विजर्ड से जाकर के ये सारे फील्ड्स लेकर के और यहाँ से नेक्स्ट करके और डेटा कॉलमर फॉर्म में चाहिए या टेबुलर, ये देख के और फिर यहाँ पर मॉडिफाई करके और ये फॉर्म आप बना लेंगे। तो यहाँ पे एफ कर देता हूँ तो ये फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से फिनिश कर देना है आपको। फिनिश करते ही आपको ये इस तरीके का नज़र आएगा। आप चाहे तो इसके लिए कॉम्बो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये कॉम्बो डिज़ाइन करने का क्या फ़ायदा होता है ये तो जब आप डिज़ाइन करेंगे तो ही आपको पता लग पाएगा। तो यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करूँगा। ये देखिए ये काफ़ी जो है बड़ा है, और यहाँ से ये स्क्रॉल करके इसको इस तरीके से छोटा बनाऊँगा मैं, ठीक है। और छोटा बनाने के बाद यहाँ से इसकी साइज़ को, ये मोटाई उटाई इसकी भी, इसको भी छोटा कर लेंगे। और छोटा करके क्या करना है आपको, यहाँ से प्रॉपर्टी शीट पे जाना है, और प्रॉपर्टी शीट पे जाके क्या करना है, यहाँ पे आके ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट आ रहा है, हमें यहाँ फॉर्म रखना है। और फॉर्म रख करके और यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यहाँ पे जा करके और यस कर देना है। ये यस कर दिया हमने, और यस करने के बाद व्यू पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा फॉर्म बनता हुआ आपको दिखेगा। आप इसके लिए बटन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो इसे सेव करेंगे हम, तो ये हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम रिपोर्ट डिज़ाइन करें तो रिपोर्ट हमारा एक तरीके का ऐसा बने कि यहाँ पर एक हमने कॉम्बो भी नहीं बनाया है, तो कॉम्बो भी पहले बना लेते हैं हम, ऊपर कॉम्बो बनाएंगे। तो कॉम्बो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कॉम्बो बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए ये कंट्रोल आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से जाइएगा और इसी में आपको मिल जाएगा कॉम्बो। तो कॉम्बो यहाँ पे देखिए इसमें कॉम्बो बॉक्स मिलेगा, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है। क्लिक करिएगा इस पर और इस पर ड्रैग करवा लीजिएगा इस तरीके से। जैसे ड्रैग करवाएंगे तो ये देखिए ये इसमें तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो थर्ड वाले पे आपको क्लिक रखना है और नेक्स्ट करके। और हम चूंकि रजिस्ट्रेशन आईडी यूनिक आईडी है तो हम इसी के बेस पे सर्च करेंगे, ठीक है, रिजल्ट्स को, और नेक्स्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे पता नहीं क्यों रजिस्ट्रेशन आईडी 1 आ जाता है, तो इसको हटा करके और यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया है, और अब जब फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया, देखिए ये एक रिजल्ट जैसा सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे तो 2 वाला ही रिजल्ट आपके सामने आएगा, अगर 1 करेंगे तो 1 वाला ही रिजल्ट आपके सामने आएगा। देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसको भी सेव कर लेते हैं हम। और इसके लिए अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं रिपोर्ट। तो क्रिएट पे जाके विजर्ड से चलेंगे, और विजर्ड पे भी जाने के पहले एक काम हमें करना है, एक क्वेरी बनानी है। तो क्रिएट पे जाके क्वेरी विजर्ड पे जाएंगे, और विजर्ड पे जाके सिंपल क्वेरी विजर्ड करेंगे, और यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन आईडी के ही बेस पे चूंकि सर्च करेंगे तो यहाँ पे जाके और स्कूल क्वेरी आ रहा है ये मॉडिफाई कर लेंगे हम इसे, यहाँ से जाएंगे। और देखिए यहाँ पर ये जब इस तरीके से आएगा ना, तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट भी चाहिए हमें, और सारी ही डिटेल चाहिए, तो सारी ही डिटेल क्यों ना ले ली जाए। तो यहाँ पे सारी ही डिटेल हम ले लेते हैं, एक भी छोड़ना क्यों है। तो यहाँ से आकर के और इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ताकि इस तरीके से ड्रैग करके ले जाएंगे। तो सब्जेक्ट 3 तक हम आ चुके हैं, देख सकते हैं, और अब आएगा सब्जेक्ट 4, और देन आएगा सब्जेक्ट 5। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट 5 हो जाएगा, और फिर आएगा टोटल, तो टोटल भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये टोटल होता हुआ आपको नज़र आएगा, यहाँ से आप जा सकते हैं, ये यहाँ से देखिए ये टोटल आपको मिल जाएगा। और फिर अगर यहाँ से टोटल हो जाता है तो फिर एवरेज भी लाना होगा, तो एवरेज भी ले लेते हैं। तो सारी चीज़ें ले लेने के बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली रन पे क्लिक नहीं करना है, इधर आना है और रजिस्ट्रेशन आईडी वाले में क्राइटेरिया वाले सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पर हम फॉर्म के अंदर सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया, और फॉर्म के अंदर क्या सर्च करेंगे, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, और हमारे फॉर्म का नाम है स्कूल एफ, और हम ये जो है किसके बेस पे सर्च करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी के बेस पे, किसके बेस पे, रजिस्ट्रेशन आईडी। तो यहाँ पे करेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन लगा के और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी आपको करना है, तो यहाँ पे लिखिए रजिस्ट्रेशन आर, जैसे ही प्रेस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, और आपको लेबल नहीं लेना है ये ध्यान रखिएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी कर दिया, और अब इसको भी सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये भी सेव हो गया। अब जबकि आप रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे क्रिएट पे जाके, तो आप देखिए यहाँ से क्रिएट पे गए हैं और यहाँ से रिपोर्ट विजर्ड पे जाएंगे, और जब विजर्ड पे जाएंगे तो स्कूल क्वेरी वाला लेना है हमें। तो यहाँ पे जाके नेक्स्ट करके और यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी को प्रियोरिटी देंगे हम, नेक्स्ट करेंगे
और चाहे तो इसमें सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पर आकर के इसको मॉडिफाई कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे। स्कूल क्वेरी है तो स्कूल आर कह देंगे इसे, स्कूल आर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से फिनिश कर देंगे, तो जब फिनिश करेंगे तो ये ऐसे आएगा और यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको हटा देंगे और इसको ऊपर करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके। इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, देखिए ये एकदम उलझा हुआ सा दिख रहा है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन आईडी कौन सी। तो यहाँ पे अगर मैं 1 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो आपको केवल रजिस्ट्रेशन आईडी 1 वाले का ही रिपोर्ट दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको सेटिंग तो करनी पड़ेगी। अब सेटिंग क्या है, देखिए यहाँ पर इन सबको सही करना पड़ेगा, देखिए एकदम अनअरेंज्ड है, तो आप चाहे तो इसको सही कर सकते हैं। सही करने का तरीका यही है कि छोटा बड़ा बना करके इसे सही कर लीजिए। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो छोटा थोड़ा सा कर लीजिए और बाकी तो ठीक है, इसको भी छोटा करेंगे। इसी हिसाब से सबको कर लेंगे और कर लेंगे तो आपका पूरा सेटिंग हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो ये हो जाए तो व्यू पे क्लिक करके और यहाँ 2 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डिटेल आपको होती हुई बनती हुई नज़र आएगी। तो ये जो आप डालेंगे ना उसके बेस पे आएगा बिल्कुल, ठीक है। और जैसे ही इसमें थर्ड वाला रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं अभी ये थर्ड वाले स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे मार्क्स हम एंटर करवाते जाएंगे, ये हो गया। और जैसे ही एंटर करवा लेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव करेगा, ठीक है। सेव करने के बाद ये रिपोर्ट में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये, और ये स्कूल वाले में आते हैं और यहाँ से देखिए ये देखिए थर्ड वाला अपडेट हो गया ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और अब हमें कोई और डिटेल चाहिए, तो जो भी हम जो है क्वेरी हमारी चलेगी और जो भी हम सेलेक्ट रखेंगे यहाँ पे देंगे उसी के हिसाब से ये आएगा भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।